ब्लैक मनी का ऐलान करने पर लगेगा 45% टैक्स। 30 सितंबर तक चलेगी वित्त मंत्रालय की स्कीम। गांधी जी के पोते कनुभाई गांधी दिल्ली के गौतमपुरी के ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर, पत्नी भी हैं साथ। कनुभाई ने पीएम से मिलने की जताई इच्छा, कहा देश में लोग हो रहे हैं ज्यादा स्वार्थी। गांधी जी के परपोते तुषार गांधी ने झाड़ा पल्ला, कहा अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। कन्नौज में पत्नी की मौत से दुखी पति ने खुद को मारी गोली, कानपुर ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। स्कूल प्रबंधक सत्यवीर ने मेडिकल कॉलेज परिसर में मारी गोली, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई थी सत्यवीर की पत्नी की मौत। संभल में लॉकअप के अंदर युवक की संदिग्ध मौत, नाराज परिजनों ने जमकर किया हंगामा। एक लड़की के अपहरण के मामले में मृतक को थाने लाई थी पुलिस, एसपी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। बिहार के पूर्णिया में नाबालिग से रेप, सरपंच के बेटे पर रेप के बाद हत्या की कोशिश का आरोप। गया में लव ट्रायंगल में प्रेमी ने प्रेमिका को मारा चाकू, एक प्रेमी की ग्रामीण की धुनाई, प्रेमिका पीएमसीएच रेफर। पटना से प्रेमिका से मिलने आया था रवि, प्रेमिका को रवि के साथ देखकर दूसरे प्रेमी पुष्कर ने मारा चाकू। अमृतसर में ट्रेन के अंदर सूटकेस में शव मिलने से सनसनी, जननायक एक्सप्रेस ट्रेन में सफाई के दौरान बरामद हुआ शव। हरियाणा के अंबाला में सरकारी स्कूल का टीचर गिरफ्तार, स्कूल में कई छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। हैदराबाद पुलिस ने 33 लाख केस के साथ कैश के साथ दो शख्स को किया गिरफ्तार, दो कार मोबाइल भी बरामद। मेरठ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जनरेटर व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में दिनदहाड़े लूट की वारदात, बदमाशों ने बंदूक के दम पर लूटे 11 लाख रुपए। हरिद्वार में टैंकर में लगी आग, निर्धारक कोहराम, फर्नीचर की दुकान में फैली आग। मॉस्को के कब्रिस्तान में करीब 200 लोग आपस में भिड़े, 3 लोगों की मौत, 23 गंभीर रूप से जख्मी। खबरों के मुताबिक बंदूक, रॉड और बेसबॉल के बैट से लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला, भीड़ ने गाड़ियों को बनाया निशाना। चीन में गेल्स तूफान में से ने जनजीवन को किया तहस नहस, 48 फ्लाइट्स हुई लेट, 4 उड़ान को करना पड़ा रद्द। 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, एक इमारत को भी पहुंचा नुकसान, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। चीन के गांसू प्रांत में 12 घंटे से बर्फबारी, सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी। महारानी एलिजाबेथ की दुर्लभ तस्वीर आई सामने, एक में पिता किंग जॉर्ज के साथ स्विमिंग के लिए जाती दिखी। हांगकांग में पारंपरिक बन फेस्टिवल का आयोजन, शेर और हाथी की ड्रेस पहने कलाकारों ने दी प्रस्तुति। आईपीएल में आज भी खेले जाएंगे 2 मुकाबले, शाम 4 बजे किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी आमने सामने। रात 8 बजे दिल्ली और मुंबई के बीच होगा है मुकाबला, विशाखापट्टनम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता ने पुणे को 8 विकेट से हराया, यूसुफ पठान ने 18 बॉल में बनाए 37 रन। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की रिकॉर्ड जीत, गुजरात लायंस को 144 रन के बड़े अंतर से हराए, 104 पर पूरी टीम ऑल आउट। आईपीएल में गुजरात लायंस के खिलाफ कोहली और एबी डिविलियर्स ने ढाया कोहराम, दोनों ने जमाया शतक। चीन का औद्योगिक उत्पादन अप्रैल में 6% दर्ज, सुस्ती से उबरने के कोई संकेत नहीं। याहू की नीलामी में वॉरेन बफेट भी शामिल, गिलबर्ट सहित कई उद्योगपतियों का नाम रेस में। मुंबई में सलमान ने की बाइक की सवारी, एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सलमान। ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल में हुई शामिल, लाल गाउन में कराया फोटोशूट। पंद्रह साल से लगातार कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो रही हैं ऐश्वर्या, फिल्म सरबजीत का किया प्रमोशन। हॉलीवुड मूवी ट्रिपल एक्स में दीपिका पादुकोण का लुक हुआ लीक, नॉर्थ अमेरिका में हो रही है फिल्म की शूटिंग। फिल्म अजहर की कहानी दर्शकों को आई पसंद, फिल्म ने दूसरे दिन कमाए तकरीबन 8 करोड़ रुपए। रणवीर सिंह ने पर्दे पर विलन बनने की जताई ख्वाहिश, बोले मौका मिला तो पीछे नहीं हटूंगा। वीरप्पन में जरीन खान का दिखेगा जबरदस्त लुक, जरीन के जन्मदिन पर फिल्म का गाना खल्लास रिलीज। सिल्वर स्क्रीन पर लव स्टोरी में काम करना चाहती है डेजी शाह, सलमान की फिल्म में हीरोइन बनने की ख्वाहिश। स्वरा भास्कर ने राइटर हिमांशु शर्मा से शादी करने की खबरों को खारिज किया, बोली करियर की तरफ है ध्यान।